गाइस, आज हम लेके आए हैं रेडी टू ईट सब चीजें इन वेजिटेरियन फ्रॉम ITC. ITC जैसे हल्दीराम का मिलता है, वैसे ITC का भी मिलता है। ITC का खुद का काफी बड़ा ब्रांड है, इनकी मेजर सेल्स होती है, इससे समझ लो क्या बात है। और बाकी FMCG प्रोडक्ट्स भी है, होटल्स भी है, तो इनका जो होटल और FMCG प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को ये लग रहा है कि इनका रेडी टू ईट सबसे अच्छा होना चाहिए। और वेजिटेरियंस डिसअपॉइंट ना हो, अगर आप बैंकॉक गए हो तो वहाँ पे अगर बर्गर भी खा रहे हो उसमें भी अंडा होता है, पिज्ज़ा बेस में भी अंडा होता है, हर चीज़ में अंडा होता है, लेकिन जब इतने बड़े ब्रांड का सामान लेके जा रहे हो, क्योंकि श्योर कि आप अपने हिसाब से पैकेट काटा और वेजिटेरियन फूड इन्जॉय कर लिया, तो इसलिए ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन पहले देना बाकी था कि लोग कमेंट करके ये ना बोले कि यार रेडी टू ईट फूड क्यों दिखा रहे हो, ये रीज़न है। अब शुरू करें अनबॉक्सिंग की, अगर आप होगा आपको बताते पहले क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नवरत्न कोरमा, फिर हमारे पास है पोंगल, दमपुक कुजिंग में मुगलई पनीर, दाल मखनी, जोधपुर का मूंग दाल का हलवा, अवधी का बादाम हलवा, पंजाब से पिंडी चना, और है आलू मटर। तो इन सब का तरीका क्या है, हमने बस पैकेट खोलने और 3 से 5 मिनट तक इसको बॉइलिंग वाटर में डालना है, कुछ नहीं करना, इसको बस ऐसे छोड़ देना। दिस कुड हैव इजी बीन अ 24 आवर फ्रोजन फूड चैलेंज ऑल्सो। ये है हमारे पास पोंगल, मुगलई पनीर, पता नहीं लोगों को फ़ोन अनबॉक्स करने बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो खाना अनबॉक्स करने बड़ा मज़ा आता है। देखो हमारे एक फ्रेंड गए थे जिनका भी चैनल है एक थाईलैंड घूमने के लिए, वो बेचारे आदमी को कुछ मिला ही नहीं खाने को, वो बियर ही पी रहा था। अब आप बोलोगे जैनी आदमी बियर पी रहा था, नाम नहीं डिस्क्लोज करता, सॉरी आपको। एंड लास्ट में दाल मखनी विच इज़ वेरी गुड ऑफ ITC, इनका रेस्टोरेंट है बुखारा जिसकी दाल मखनी वर्ल्ड ओवर फेमस है, लेकिन अगर ये दाल बुखारा होती तो लिखा होता दाल बुखारा, दिस इज जस्ट दाल मखनी। और ये हमारे मिल जाएगा क्या पैकेट एक में ही, ये 8 डिशेस एक साथ पक रही है गाइस। गाइस अब निकालना शुरू करते हैं, जो पहले डाला था सबसे पहले उसको निकालते हैं, 3 से 5 मिनट लिखा हुआ था, कुछ नहीं करना, आपको नाइफ की भी ज़रूरत नहीं है, बस यू खोले आप। खुशबू तो काफ़ी अच्छी है, देखो धुआं निकल रहा है अच्छे से, मम्मी कहते घी था इसके अंदर जो प्रॉपर है, इसकी तो शक्ल बड़ी टेम्पटिंग लग रही है गाइस। गरम है, स्वाद भी है अच्छा यार। दिस इज अराउंड 9, पैक फूड की रेटिंग हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल फूड की नहीं, पैक फूड की यहाँ पे दिस इज 9। तो जो जो हाई रेटिंग है आप वो चीज़ें ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ये हमारा नवरत्न कोरमा, इसको थोड़ा अंदर से हिला लेते हैं नवरत्न कोरमा को, पता लगे काजू ही नहीं आया। वैसे तो आई एम ऑलवेज डाउटफुल अबाउट द पनीर इन द लॉन्ग पैकेज, नवरत्न कोरमा शुड बी अ लिटिल थिक, ये ऐसा लग रहा है सब कुछ ना ओवर गल चुका है, इनको गला गला सा माल है। पनीर खा के देखता हूँ, पनीर इतने महीनों से ग्रेवी में के उसके अंदर तक फ्लेवर जा चुका है, नॉट रिकमेंडेड, अराउंड 5। देखो ऊपर घी आ गया इसके, मतलब जो तेल है रोगन दिख रहा है, ग्रेवी लुक्स गुड, द ग्रेवी लुक्स थिक नाइस, चिकन 120 रुपये से लगता, ग्रेवी बहुत बढ़िया है। पनीर डिसअपॉइंट मत करियो, मुगलई पनीर में पनीर इज समवॉट डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है, ग्रेवी बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ ग्रेवी दिस इज 7 एंड यू कैन ट्राई दिस मुगलई पनीर, द मोस्ट लेजेंडरी डिश दाल मखनी, दाल इज लुकिंग क्वाइट लेजेंड, कलर देखो, दाल लुक्स ऑसम, रोगन है ऊपर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, अच्छी दाल है, दिस इज अराउंड 8, मस्ट रिकमेंड पोंगल एंड दाल, मस्ट रिकमेंड फ्रॉम माय साइड पिंडी चना। व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस इज के रोगन प्रॉपर ऊपर आया हुआ है, जो उसकी ग्रेवी टाइप्स है ना, अच्छा सा प्याज व्याज हो रखे हैं, ज़्यादा जो चना है ना बाइटी है, बट आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो बिकॉज अगर हल्का होता तो वो मटर जैसा हल होता, इट्स गुड पैक फूड के तरफ से, दिस इज अगेन एन 8, अब मस्ट रिकमेंड। अब तक 5 ये ट्राई करी और मैंने को 3 रिकमेंड कर दिए, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है अब तक का,
तो मटर की पहले भी ये दिक्कत आ रही थी कि मटर ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। नॉट गुड एट ऑल। टेस्ट खराब हो गया मुँह का, थोड़ा पोंगल खा के पहले टेस्ट ठीक करो। हाँ, कम्फर्ट फूड एट इट्स बेस्ट। कभी हुआ है सामने खाया हो मुँह का टेस्ट खराब हो गया हो, तो कुछ और खाते हो मुँह का टेस्ट ठीक करने के लिए। ये जो है हलवा है, दिस इज द बादाम का हलवा। फर्स्ट टाइम रेडी टू ईट फूड में मैं हलवा या डिजर्ट खा रहा हूँ। देखो देसी घी टपक रहा है। दिस लुक्स सो लेजिट। सोचो आप 15-20-3 महीने से किसी ऐसी कंट्री में, आपको लग रहा है आप जेल में हो, कोई खाना नहीं मिल रहा आपको, फिर ये आ जाए। अरे मौज कर दी भाई साहब। ओहो सारे बढ़िए, सारे जैनी, सारे मारवाड़ी, सारे वेज पंजाबी। ये ले जाना मत भूलना, बैंकॉक या फिर सिंगापुर जाओ तो वेज नहीं मिल रहा, ये खाओ। दिस वुड बी 9.5, इट्स सो गुड। लास्ट पैकेट रह गया जोधपुरी मूंग दाल का हलवा। इवन दिस इज लुकिंग सो यम गाइस। दिखाता हूँ आपको, देखो पहले घी आ रहा है फिर हलवा, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी भर भर के डाल रखे उन्होंने। हलवे दोनों कमाल है, टू गुड गाइस। पर्सनली व्हाट आई रिकमेंड, हलवा, पोंगल, दाल, और क्या रिकमेंड करा था मैंने, छोले। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप ले जाओगे, बाकी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जाकर अपना एक्सपीरियंस ख़राब करो। तो ये सब चीज़ अच्छी लगी। नवरत्न कोरमा, आपका जो पनीर वाली डिशेस थी, एंड आलू मटर, तो क्यों भाई, वाई डू यू एग्जिस्ट ऑल्सो। ना कुछ वेज दिखा दिया, तो नॉन वेजिटेरियंस भी डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि नॉन वेज के आइटम कम है, लेकिन एंड में दिखाएंगे कि मिक्स ना हो। जिन्होंने वेजिटेरियन देखने हो, वेजिटेरियन तक वीडियो देखना, फिर नॉन वेज वाले देख लेना। तो 5 आइटम नॉन वेज की है, तो शुरू करते हैं हम लोग अब अनबॉक्सिंग ऑफ नॉन वेज। मुर्ग मेथी, मालाबार चिकन स्ट्यू, चिकन चेटिनाड, ये दम पुख्त है आपकी नूर महल बिरयानी, और फिर चिकन दरबारी। तो एज़ यूजुअल हमने अपना पॉट गरम कर लिया पानी से, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसका स्वाद। नॉनवेज में पहली बार टेस्ट करो रेडी टू ईट। आई डोंट नो हाउ द चिकन सर्वाइव्स। अगर आप बोलोगे भैया अब वेज खाना, तो तुमने इतना कुछ बता दिया था कि भैया जैनियों के लिए, इन सब के लिए, तो ये नॉनवेज फूड क्यों ले जाना, मैं उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नॉनवेज तो खाना है, लेकिन खाना है इंडियन नॉनवेज, हमें थाई वाई सिंगापुरियन नहीं खाना, ये उनके लिए। और काफ़ी जगह वहाँ पे पोको और बीफ भी मिलता है, हमारे लोग नहीं खाते। चिकन दरबारी, चिकन चेटिनाड फ्रॉम साउथ इंडिया, मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड मटन नहीं आता, फिश भी नहीं आता, ओनली चिकन चिकन है। और पैकेट्स पे लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, नो प्रिजर्वेटिव यूज्ड, फूड ग्रेड। एंड आप ये देखो, टेक्नोलॉजी डेवलप बाय डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL, गोल करके देख लेना इसका मतलब क्या है। अ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रीटिंग फूड टू अ हाई टेम्परेचर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। जिन लोगों ने कमेंट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया था कि इसमें प्रिजर्वेटिव है गाइस, तो आर्मी के लोग भी इस तरीके का खाना खाते हैं। अगर आर्मी के लोग हंसते आप क्यों नहीं, इसको रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 3 से 5 मिनट, उसके बाद देखिए क्या स्वाद है इसका। गाइस हमारा नॉनवेज फूड हो चुका है। दिस लुक्स लाइक अ बिरयानी बिकॉज पफी पफी सा था। दिस इज़ द बिरयानी, फर्स्ट टाइम रेडी टू ईट बिरयानी। वेज खा रखी है मैंने, पुलाव। इन्होंने चिकन बॉल्स डाल रखी है, पहले से बिरयानी टेस्ट करूँगा। कहते हैं ना बिरयानी का फ्लेवर क्या होता है, एक तो जो फ्लेवर चावलों में होता है बिरयानी का पूरा, वो भी एक एलिमेंट होता है। क्वाइट डाउटफुल इसमें क्या कर रखा, चिकन का कोफ्ता बना रखा है, चिकन चुई है थोड़ा बहुत जो बॉल्स हैं, फ्लेवर है बिरयानी में। 7, दिस इज मुर्ग मेथी। ग्रेवीज तो अच्छी हैं, लेकिन क्या चिकन का क्या हिसाब किताब है ये देखना पड़ेगा।
ग्रेवी तो बहुत अच्छी लग रही है, बट क्या चिकन साथ देगा? है फ्लेवर है, अच्छा मीठी का फ्लेवर है। देखिए चिकन, पुराना चिकन खाने का तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि महीनों पुराना है। ये पनीर वाली वीडियो में अंदर तक फ्लेवर चूस लिया था पनीर ने, वैसे चिकन ने भी अंदर तक फ्लेवर चूस लिया ग्रेवी का। ग्रेवी इज़ क्वाइट गुड मेथी वाली। ग्रेवी अलग से भेजनी चाहिए और ना टिक्के टाइप भेजने चाहिए, घर में बंदा टिक्के गर्म करे ITC के और ये ग्रेवी डाली, ओ मज़ा ही आ गया। दिस इज़ गुड, दिस इज़ अराउंड 8। एंड ये रेटिंग हमारी किसके लिए है? रेडी टू ईट फूड के लिए। इसको हम नॉर्मल फूड से कंपेयर नहीं कर रहे, ये जुगाड़ू फूड है। मान लो स्विगी का टाइम खत्म हो गया, आपके सारे रेस्टोरेंट हो गए, आप ऑर्डर करो स्विगी बटर चिकन 400 रुपये का रहा है डबल प्राइस पे जोमेटो पे, तो क्या करोगे? पैकेट खोलो खा लो, पैसे बचाओ। फिर है मालाबारी स्ट्यू। दिस इज आई पर्सनली वॉन्टेड टू टेस्ट। कोकोनट की स्मेल आ रही है इसमें से, कोकोनट ऑयल एंड एवरीथिंग। पहले सिर्फ स्ट्यू टेस्ट करते हैं। इसके अप्पम मिल जाए ना, वो फ्लेवर आया है। अप्पम मिस करो मैं, चिकन खाऊं? पिंक पिंक सा क्यों लग रहा है चिकन? इसमें चिकन ठीक है। तो गाइस दैट वाज गुड, उसकी रेटिंग थी अराउंड 9। चिकन चेटिनाड एक और साउथ इंडिया से पकड़ते। अजीब सा खुशबू थी। पहले ग्रेवी, नो नो मैं चिकन नहीं खाऊंगा ऐसा, मुझे अच्छा लगा चिकन चटना, नो 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 4 के आसपास है, बहुत बेकार है। और ये नहीं है कि हमने चिकन चटना खा नहीं रखा, हम लोग 90% स्टेट्स जा चुके हैं इंडिया में और ऑल द मेजर फूड हब्स, बट नो दिस इज़ नॉट डन। चिकन दरबारी लुक्स लाइक अ भाई बहन ऑफ बटर चिकन, वो भी रईस वाला। बटर चिकन इज़ फ्रॉम आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये इंटरनेशनल स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हम दरबारी रखे हैं। वही बटर चिकन वाली ग्रेवी, जो लास्ट पैकेट था काफ़ी लेट उठाया था तो चिकन भी थोड़ा सॉफ्ट हो गए, बट 5 में से आई वुड ओनली रिकमेंड 2 विच इज़ द स्ट्यू एंड द मेथी चिकन। बाकी तीनों खाने को खा सकते हो लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आया, और आपका टेस्ट मेरे जैसा है तो मत लेना। आई होप आपने इन्जॉय करी ये वीडियो, हमने कम से कम 13 पैकेट अनबॉक्स करे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो गए नो, बट शो योर सपोर्ट एंड छोटे बच्चे ना बनो, बताने की जरूरत नहीं, बननी चाहिए कि कितना टारगेट होना चाहिए, खुद ही लाइक कर दिया करो।